हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो 14 पॉइंट जो ये आपको 3 था उसका जो है ये एच में आपको निकालने के लिए है। आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसमें देखिए आपको जो है ना, इससे पिछले वीडियो में हम जो है, यदि आप 14.1 और 14.2 को देखिएगा तो उसमें हम माध्य और बहुलक निकालने के लिए बता दिए हैं। इसमें माध्य निकालने के लिए बताया गया है और इसमें आपको बहुलक निकालने के लिए बताया गया है। इसमें माध्य निकालने के लिए बताया गया है, इसमें बहुलक, इसको और इसके 14.3 में जो है ना हम माध्यक बताएंगे। माध्यक कैसे निकाला जाता है उसको पर हम चर्चा करेंगे। तो पीछे जो वीडियो नहीं देखे जरूर देखें और इस चैनल के साथ जुड़े रहे, और इस पर 10th का फुल सॉल्यूशन थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ दिया जाता है। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ हम चलते हैं इसके जो है ना माध्य जो निकालते हैं, इसका जो आपको एनसीईआरटी मैथ में क्या दिया हो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको है जो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम कैसे, जिसमें जैसा कि आपको आपका कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं माध्यक, यानी कि मीडियन आप पढ़ चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रक्षेपण का मान देता है। याद रखिए, ये जो प्रक्षेपण आपको दिया हो रहेगा 4, 6, 8, 10, इसका जो है ना ये जो बीच में जो पड़ता है, यानी कि मान लीजिए एक और संख्या कोई ले लेते हैं 12, इसमें जो आपको माध्यक पूछेगा तो इन दोनों का और ये दोनों हट गए, ये जो बीच में पॉइंट आता है नीची को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीडियन, यानी कि आपको माध्यक होता है, यही प्रक्षेपण का मान देता है। याद कीजिए कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रक्षेपणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यदि n जो है विषम है तो माध्यक n+1/2 में प्रक्षेपण का मान होता है, यानी कि n आपका विषम संख्या है। तो ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यानी कि n बराबर क्या निकल गया, 5, तो n+1/2, तो यानी कि 6/2, तो 3। तीन नंबर पर देखिए कौन सा प्रक्षेपण आ रहा है, 4 आ रहा है फर्स्ट प्रक्षेपण, ये सेकेंड और ये हो जाएगा आपको थर्ड। तो ये थर्ड प्रक्षेपण क्या कहलाता था, माध्य, यानी कि आपको प्रक्षेपणों की संख्या यदि विषम, यानी कि n का मान यदि विषम आ रहा है तो n+1/2 में प्रक्षेपण पर जो भी संख्या रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको माध्यक कहलाएगा। यदि n का मान सम होता है तो n/2 तो आपको निकालना ही है, साथ ही साथ n+1/2, इन दोनों का जो हम माध्य निकालेंगे तो उस प्रक्षेपणों का औसत क्या होगा, उन दोनों का जो औसत हम निकालेंगे तो वही माध्य होता है आपका बहुल, वो माध्यक कहलाता है। इन दोनों का माध्य यदि निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, उन दोनों का माध्य जो आप निकालिएगा तो वही आपका माध्यक हो जाएगा। संख्या कब हो, जब विषम सम होना चाहिए, तो इसके बारे में हम नीचे भी लिखे हुए उसको, ये तो आपका बुक कह रहा है। हम चलते हैं इसके और डिटेल से देखते हैं इसमें क्या है। अवर्गीकृत माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों में आपको हम बता चुके थे, पिछले वीडियो भी आप देखिएगा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। वर्गीकृत होता है जो आपको एक वर्ग में बांटा हुआ है, मान लीजिए कोई 4, 10, 15, 20, 25 करके एक आंकड़ा दिया, इसी को यदि 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 ऐसे करके यदि दे दिया गया तो वो हो गया वर्गीकृत आंकड़ा, यानी कि उसको वर्गीकरण कर दिया गया है। और अवर्गीकृत हुआ जो, जिसका आप वर्गीकरण नहीं किए हैं, ऐसे जो है 4, 6, 8 ऐसे करके 10 ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, इसी को यदि 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कर दीजिएगा तो ये हो जाता है आपको वर्गीकृत आंकड़ा। समझ रहे बात को, तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं इसके माध्यक। माध्यक देखिए क्या था, माध्यक जो है एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है जो अभी जस्ट पढ़े थे हम, जो किसी भी आंकड़ा, जो भी आंकड़ा आपको दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़ा जो होता है वो, और अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में अभी देख लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़े का जो है ना फॉर्मूला कुछ अलग होता है, उसको हम अलग थ्योरी देखेंगे। ये जो आंकड़ा है आपको अवर्गीकृत आंकड़े का सबसे बीच का प्रक्षेपण का मान देता है। जैसे देखिए ये जो आपको दिया हुआ है 4, 6, 3, 12, 9, 15, इस आंकड़ा का आपको क्या निकालना है, माध्यक। एग्जांपल के द्वारा आप समझिए, यहाँ पे आंकड़ा आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक ज्ञात कीजिए तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो आप इस आंकड़ा को क्या करते हैं, आरोही या अवरोही में सजा लेते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो अवरोही क्रम में यदि हम सजाएंगे तो आरोही क्रम क्या कहलाता है, यानी कि आपको बढ़ते जाना है। आरोही मतलब याद रखना है आपको, आरोही जो होता है आपको, आरोही क्रम मतलब हो जाता है आपको बढ़ते क्रम होता है, क्या होता है, यानी कि बढ़ते जाइए, सबसे छोटा को पहले रखिए, ये बढ़ते क्रम हो जाता है। यदि अवरोही यदि देखिएगा आप, अवरोही क्रम जो होता है तो ये अवरोही क्रम क्या हो जाता है, ये अवरोही क्रम हो जाता है आपको घटते क्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, ये आपका घटते क्रम हो जाता है। घटते क्रम यानी कि अवरोही आरोही कर रहे थे बढ़ते हो जाएगा, तो ये जो क्रम आपको दिया हुआ है 3, 4, 6, 9, 12, 15 ये क्या हो जाएगा आपका आरोही क्रम में हम सजा लिए। जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है तो उस आंकड़ा को आरोही या अवरोही में सजाने के बाद
उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद परिक्षेपण के संख्या यानी कि एन जो आपको प्राप्त होगा, यानी कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एन का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो यदि सम है, यदि क्या हो गया, एन का मान जो है 6 क्या है, सम है तो माध्यक एन बटे 2 में और एन प्लस 1/1/2 और प्लस 1वें परिक्षेपण के मानों का औसत निकालते हैं। यानी कि आपको एन जो 6 निकल गया था, ये तो आपको एन बटे 2 जो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3 नंबर पर कौन है, 1 2 3, यानी कि एक मान आपको आ जाएगा 6 और n प्लस 1/2 और प्लस 1 यानी कि एक और करेगी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, यानी कि चौथा नंबर पर क्या है, 9। तो इन दोनों का जो हम औसत निकालेंगे 6 और 9 का, वही औसत क्या कहलाएगा, इस जो है आंकड़ा आपको दिया हुआ है और वर्गीकृत आंकड़ा जो दिया हुआ है उसका क्या निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। समझ रहे बात को, तो चलते हैं इसके जो अब इसको करना है। देखिए आरोही क्रम में हम सजाए थे, ये पॉइंट आ गया था, और इस परिक्षेपण की संख्या n यानी कि 6 है तो n बटे 2 निकालते हैं। तीनवां परिक्षेपण आपको क्या दिया होता है, 3 नंबर का परिक्षेपण देखिएगा तो 1 2 3, 3 नंबर में 6 आ रहा है, और एवं n बटे 2 प्लस 1 यानी कि ये आपको n बटे 2 प्लस 1 में पद जो यदि आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, इसको काटिएगा तो 3 प्लस 1 यानी कि 4वां परिक्षेपण। 4 नंबर में कौन सा परिक्षेपण है, देखिए 4 नंबर में आपको परिक्षेपण आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 यानी कि 9 है। इन दोनों को हम अब माध्य जो निकालेंगे तो वही माध्य क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। समझ रहे हैं, तो ये आपको आ गया n बराबर विषम संख्या के लिए, यदि n का मान सम हो तो n बटे 2वां पद जो आएगा वही हो जाता है आपको माध्यक। समझ रहे बात को, ये हो गया आपको अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। वर्गीकृत आंकड़ा के लिए फॉर्मूला होता है, उसका हम चर्चा करें। ये सब पॉइंट आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको आंकड़ा दे देगा, आप बोलेगा इसका जो आपको माध्यक निकालना है, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग माध्यक निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को, तो ये आ जाएगा आपको तो एन वट इन दोनों का ये यदि माध्य निकालिएगा तो 6 प्लस 9 डिवाइड किसे करना है, 2 से करना है, तो 15/2 यानी कि 7.5 ये आपका क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। यही आपको माध्यक ज्ञात करना है। समझ रहे बात को, तो चलते हैं इसके कुछ और पॉइंट जो उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको ये तो सम के लिए था, इसी प्रकार यदि हम परिक्षेपण की संख्या n यदि विषम संख्या है तो जो माध्यक क्या हो जाएगा, n बटे 2 प्लस 1 में परिक्षेपण होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ये आपके यहाँ देखे थे n बराबर विषम है, तब n बराबर विषम का एग्जांपल देखे थे, अब हम दिखा रहे हैं आपको n बराबर सम का एग्जांपल। n बराबर यदि सम रहेगा तो इसमें देखिए आपको क्या आएगा, एन का मान यहाँ पे देखिए सम है, यहाँ पे देखिए यदि माध्यक 4 6 9 3 3 18 6 12 2 7 इस आंकड़ा का आपको क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम में यदि इसको हम सजाते हैं तो 2 3 4 6 7 8 9 12 और 18 हो जाता है। परीक्षेपणों की संख्या यहाँ पे देखिए आपको एन बराबर क्या गया 9, ये आपको क्या है विषम संख्या है। विषम संख्या का थ्योरी आपको जस्ट अभी हम बताए थे, क्या होता है n बटे टू प्लस वन यानी कि ऐसे आप निकालिएगा तो यानी कि n बटे 2 और प्लस 1 या n प्लस 1 बटे 2 इसका जो है n इतने नंबर का जो परिक्षेपण आएगा, ये परिक्षेपण आपका क्या हो जाता है, विषम संख्या का माध्यक कहलाता है। तो n का मान 9 है, 9 प्लस 1 बाई 2, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5। 5 नंबर का परिक्षेपण देखिए आपको कौन है, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपको 7, इसका माध्यक क्या निकलेगा, 7। वैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद, यदि आपको संख्या गिन लीजिए, संख्या गिनने पर यदि आपको विषम संख्या आ जाए तो बीच को छांटने में अच्छा रहता है। समझ रहे हैं, यानी कि बीच को छांटना है तो यानी कि सम में भी यदि 2 आ जाता है बीच में, सम संख्या का यदि टोटल संख्या आंकड़ा में यदि आपको सम आ रहा है तो 2 आ ले लीजिए बीच का, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, वो आ जाएगा आपको सम संख्या का। और यदि आप सिंगल यदि विषम संख्या का आ रहा है तो सिंगल 1 ही बीच में आएगा, वही आपका क्या हो जाता है, माध्यक हो जाता है, याद रखिएगा। समझ रहे बात को, ये हो गया आपको अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक। समझ रहे हैं, ये निकाले हैं आपको अवर्गीकृत आंकड़े का, ये 7 आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ जो भी चैनल पर जुड़े हैं चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलते हैं इसको अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसमें जो आपको वर्गीकृत आंकड़ों का यदि आप माध्यक ज्ञात कीजिएगा तो उसमें आपको जो जो पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बहुलक में हम ज्ञात करते थे सेम उसी तरीका से इसमें भी है, आपको जो है जैसे बहुलक वर्ग वहाँ निकालते थे, यहाँ आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। फिर परिक्षेपणों की संख्या जो एन अभी जस्ट हम बताए थे उसमें टोटल बारंबारता का योग जो होता है वो आपको एन हो जाता है, सी एफ निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा, यही 3 4 5 को पॉइंट जो है आपको वर्गीकृत आंकड़ों में निकालना पड़ता है। समझते हैं इसको ये क्या कहता है।
यहाँ देखिए, दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न बिंदुओं की आवश्यकता होती है, यानी जो पॉइंट आपको दिया हो उसकी आवश्यकता होती है, जो निम्न बिंदुओं से निम्नलिखित है। इस पर देखिए आपको जो पॉइंट का आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको हम यहाँ पे थ्योरी में लिख दिए। यहाँ देखिए एल, एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, आपको बताएंगे एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कैसे निकालते हैं। एन, एन प्रक्षेपणों की संख्या, यानी कि टोटल प्रक्षेपणों की संख्या, यानी आपको टोटल जो भी बारंबारता के केस में दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, तो वही टोटल आपको क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। एन बराबर आ जाएगा टोटल, यदि बारंबारता जो भी दिया हो तो उसको ऐड कर दीजिए, वो आपको एन बराबर का मान दे देगा कितना आता है, समझ रहे बात को। तो सी एफ, ये जो आप माध्यक वर्ग निकालिएगा, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एक नया पॉइंट इसमें आता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता भी आपको बता देंगे जो क्या होता है। संचयी बारंबारता दो प्रकार से होता है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता और एक अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, समझ रहे बात को। तो ये आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ का मान क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच के बारे में आप लोग जानते होंगे जो डिफरेंस होता है दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कोई भी वर्ग माध्यक वर्ग दिया हुआ है और माध्यक वर्ग का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को घटाइएगा तो वो आपको आ जाएगा क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपको मानते हुए कि वर्गमाप क्या है बराबर है, वही आपको आ जाएगा एच का मान। तो ये पॉइंट आप पांचों आपको फॉर्मूला में लगेगा, जो आपको हम समझा दिए उस जो आंकड़ा आपको दिया हुआ रहेगा वर्गीकृत आंकड़ा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी से ये पांचों पॉइंट जो आपको क्या करना है निकालना है, समझ रहे बात है। तो इसको समझाते हैं जो कहां क्या होता है। यहां देखिए आपको एक पॉइंट आ जाता है आपको माध्यक वर्ग और संचयी बारंबारता, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। माध्यक वर्ग देखिए आपको आ जाएगा, एकदम सिंपली समझने का प्रयास कीजिएगा, वैसा वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n बटा 2a से अधिक और उसके निकटतम हो, यानी कि n पहले तो आपको माध्यक वर्ग जो दिया हुआ है ये हो गया माध्यक वर्ग टोटल, इसमें से विद्यार्थियों की संख्या जो ये जो आपको दिया यही बारंबारता होता है, इसी बारंबारता से आप क्या निकालिएगा संचयी बारंबारता फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करने संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। संचयी बारंबारता होता है एक अधिक प्रकार का एक कम प्रकार का होता है, तो उन दोनों को भी हम डिफाइन करेंगे सिंपली। यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं कैसे उसको देख लीजिए, उसी आपको जो है ये आपको माध्यक वर्ग निकलेगा। देखिए ये दोनों आंकड़ा आपको दिया हुआ रहेगा, ये आपको जो है टोटल 0 से 10, 10 से 20 ये आपको एग्जांपल लिया गया है, 20 से 30 ये आंकड़ा आपको आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें आपको ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि 0 से 10 विद्यार्थी 0 से 10 अंक जो प्राप्त हुआ है 5 विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है, उसी तरीका से 10 से 20 अंक प्राप्त हुआ है 3 विद्यार्थी को, और 20 से 30 अंक प्राप्त हुआ है 4 विद्यार्थी को, ये आपको डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं, संचयी बारंबारता में करना क्या है कुछ नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ आपको 5 लिख देना है, सिंपली आपको ऐसे ऐड करते जाना है, यानी कि ये जो 5 है और प्लस 3 8, देखिए यहाँ 5 प्लस 3 8 निकाल ले, फिर उसी ये जो 8 मिला ये नेक्स्ट जो आपको ये बारंबारता है 4 में ऐड कर दीजिए, 8 4 12 ये आ जाएगा, फिर 12 जो आपको मिला है तो ये जो नीचे में 3 है इसको ऐड कर दीजिए, 12 3 15, इसी तरीके से 15 3 18 18 4 12, ये जो आपको टोटल निकालिएगा इसी तरीके से आपको संचयी बारंबारता टोटल का निकल जाएगा। यहाँ आप टोटल संचयी बारंबारता किए, ये जो आपको ऐड करके आप निकाले हैं लास्ट में, यही जो ऐड करके लास्ट में आता है यही एन हो जाता है, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाता है एन हो जाता है, याद रखिएगा। या तो टोटल आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये जो आप ऐड करके आएगा यही क्या कहलाता है, यही एन हो जाता है, या आप जो इधर संचयी बारंबारता जो यहाँ निकालते हैं ये टोटल का ऐड ही आ जाता है, टोटल का क्या आ जाता है ऐड आ जाता है, यानी कि आपको योग करके आ जाता है, तो ये जो संचयी बारंबारता ये लास्ट वाला पॉइंट होता है यही होता है आपका एन, समझ रहे बात को। एन कहाँ से लाते हैं, यानी कि एन का मान आपको निकल गया 53, कितना निकल गया है 53 निकल गया है। अब एन का मान 53 निकला है तो क्या करेंगे, एन बटा 2 का मान हम निकालेंगे, एन बटा 2 निकालिएगा 53 बटा 2, यानी कि आपको 26.5 आ गया। अब देखिए संचयी बारंबारता में 26.5 से के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, या इसको बराबर लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 29, यानी कि 29 क्या है आपको, या तो 26.5 से कुछ ज़्यादा है और ये से क्या ले सकते हैं कुछ कम, तो या कम नहीं लेना है, यानी कि आपको संचयी बारंबारता के बराबर और उससे यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है उससे अधिक लेना है, या तो n बटा 2 से क्या लेना है अधिक या उसके निकटतम संख्या, यानी कि जो भी पॉइंट आपको आ रहा है उससे अधिकतम लेंगे और उसके जो है ना उससे क्या लेना है थोड़ा सा अधिक या उसके बराबर, यानी कि 26.5 को देखिए आप तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपको 29, इससे ऊपर थोड़ा जाना है, यानी कि 26.5 से ऊपर जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 29 मिल जाएगा। ये जो आपको 29 मिला है इसी 29 से आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा माध्यक वर्ग फाइंड आउट होगा। यहाँ देखिए इसको सीधा सीधे आप ले जाइएगा इधर तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आपको लेकर आ जाएगा माध्यक वर्ग में। तो माध्यक वर्ग कैसे निकाले समझ के, आपको क्या करना जो भी डाटा दिया हुआ है उससे आपको संचयी बारंबारता निकाल लेना ऐड करके,
संचय वर्ता कम प्रकार का अधिक प्रकार का दोनों होता है, उसको नेक्स्ट नीचे पॉइंट में समझा रहे हैं। तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो संचय परामर्ता निकल गया है ये आपको ऐड किए हैं, तो ये आपको क्या होना चाहिए, अधिक प्रकार का होना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा आपको कम प्रकार का परामर्ता, इसको क्या बोलेंगे कम प्रकार का। यदि हम घटाव करके लिखते हैं किसी पॉइंट को तो वो आ जाएगा आपको क्या आएगा, वो आएगा आपको घटों में क्या होना चाहिए, कम प्रकार का होना चाहिए लेकिन वो अधिक प्रकार का बराबरता हो जाएगा। तो उन दोनों को भी नीचे समझाएंगे, पहले इतना आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको माध्यक वर्ग कहाँ से मिल गया। ये जो आपको संचय बराबरता फाइंड आउट हो गया है उसको हम क्या करेंगे, जो आपको एन बटा टू से सबसे निकटतम यानी कि या थोड़ा अधिक हो उससे का क्या हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग हो गया आपको 60 से 70, ये जो आपको 60 से 70 हो गया इसी से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये जो निम्न सीमा यही आपको L हो जाएगा, समझ रहे बात को, ये निम्न सीमा L हो गया और वहाँ देखिए आपको जो था निम्न सीमा हो गया, और ये जो 7 इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता ये होता है आपको क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। ये जो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होती है यही आपको CF होता है। यहाँ देखिए आपको जो ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखा है, ये जो आपको CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ये CF नहीं ये F हो जाता है, F को माध्यक वर्ग की बारंबारता ये F होता है। और माध्यक वर्ग का यदि CF निकालिएगा, क्या निकालना है आपको CF, ये तो आपको जो ये जो आपको निकाले ये क्या हो जाएगा, ये आपको F होगा। CF होता है ऊपर वाला, इसका ऊपर से संचयी बारंबारता जो होता है, इसका जो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से जो ऊपर में रहता है ये आपको CF होता है, ये क्या हो जाता है CF, और ये हो गया आपको F और ये हो गया L। अब क्या ज्ञात करना है आपको H, H तो आपको मालूम होगा किसको बोलते हैं, एच हो जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस आप निकालते हैं एच बराबर हो जाएगा आपको 10, एच का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और n वटे 2, n वटे n का मान आपको 53 दिया हुआ है। इतना ही मान हमको फॉर्मूला में यूज करना है, इसीलिए आप लोग को यहाँ भी हम बता दिए जो कौन पॉइंट कैसे, ये आंकड़ा से आपको टोटल निकालना है, यानी कि आपको l भी पता चल गया, n वटे 2 भी पता चल गया, n वटे 2 26.5, और CF भी पता चल गया और F भी पता चल गया और H आपको पता चल, यही 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट आपको माध्यक वर्ग जो दिया हुआ आंकड़ा रहेगा यानी कि वर्गीकृत आंकड़ा जो दिया हुआ रहेगा उससे आपको निकालना है। यही 5 पॉइंट यदि आपको मिल गया तो आप माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बैठाइए और ये सब मान देकर निकल जाइए आगे, समझ रहे बात को। ये आगे आपको अब देखिए इसका अधिक संचय यहाँ लिख दिए हैं, हियर एन बराबर 53, एन बाय टू का मान 26.5, से अधिक संचयी बारंबारता आपको 29 है जिसका माध्यक वर्ग 60 से 70, ये आपको माध्यक वर्ग निकल गया। तो ये आप माध्यक वर्ग समझ गए। अब चलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखिए आपको है, संचयी बारंबारता दो प्रकार से होता है, जो आप देखिएगा कम प्रकार का संचयी बारंबारता जिसको बंटन सारणी कहा जाता है, एक होता है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, समझ रहे हैं। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, इसको किसके द्वारा समझ रहे हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ देखिए जो आपको एनसीईआरटी आपका मैथ जो लिखा है यहाँ देखिए, ये हो गया आपको कोई भी सारणी जो अभी हम देखे थे उसको यदि कम से कम यदि आंकिएगा तो ये हो जाता है आपको अधिक प्रकार के बारंबारता, कौन से हो जाता है ये हो जाता है आपको कम करके आंकिएगा तो ये कम प्रकार से, यानी कि कम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसको कम करके दिया गया है। यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए, जो ऐड किए थे अभी जस्ट जो ऐड किए थे 5, 5+3, 8+4, 12+3, 15+3, ये जो ऐड किए थे ऐड करने पर ये आ जाता है आपको कम प्रकार का बारंबारता, कैसा प्रकार का आ जाता है कम प्रकार का बारंबारता, याद रखना यदि ऐड हो रहा है तो कम प्रकार का बारंबारता आएगा, इसी में आपको घटाव करना है यानी कि माइनस करके आएगा तो वो आ जाएगा आपको अधिक प्रकार का बारंबारता, ये कंसेप्ट आप लोग माइंड में रखिएगा। यदि ऐड हो रहा है तो ऐड मतलब क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको कम करके लिखना है यानी कि कम प्रकार का बारंबारता। यहाँ देखिए 10 से कम क्या लिखा हुआ है, 10 से कम लिखा हुआ है यानी कि 10 से कम अंक कितने स्टूडेंट को प्राप्त था 5 को, और यहाँ जो 10 से 20 था तो 20 था तो कितने स्टूडेंट को प्राप्त हो जाएगा 5+3 यानी कि 8 ऐसा स्टूडेंट है जिसको 10 से 20 यानी कि 20 से कम अंक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से 30 से कम, यहाँ जो आगे लिखिएगा 20 से 30, तो 20 से 30 यानी कि 30 से कम अंक जो है कितने स्टूडेंट को प्राप्त है 8+4 यानी कि 12 स्टूडेंट ऐसा है जिसको 20 से 30 से भी कम अंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा तो ये बारंबारता आपको क्या कहलाएगा, ये उपरोक्त बंटन में आप देखिए कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ आपको 10, 20 और 30 .. यानी कि 100 संगत वर्ग अंतरालों को ऊपरी सीमा है, तो ये जो है आपको .. करके ये सब क्या आ जाएगा ऊपरी सीमा, और ये ऊपरी सीमा और लोअर सीमा आपको हम बताए थे यानी कि आपको निचली सीमा हो गया ये, और ये एक होता है आपको ऊपरी सीमा। इसको यदि ऊपरी सीमा से कम लिखा गया, ऊपरी सीमा यानी कि ऊपरी सीमा से कम है, ऊपरी सीमा से कम है तो ये आ जाएगा क्या कम प्रकार का, यदि निचली सीमा से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, निचली सीमा से क्या होगा अधिक होगा तो वो हो जाएगा आपको अधिक प्रकार का बारंबारता, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक प्रकार का बारंबारता, ये हो जाएगा आपको कम प्रकार का बारंबारता।
हम सब आशा करते हैं आप लोग जो ये कम प्रकार के बारंबारता समझ गए होंगे। इसी प्रकार से चलते हैं हम अधिक प्रकार के बारंबारता क्या होता है। यहाँ देखिए जीरो से अधिक या उसके बराबर आपको नीचे से लेना है पॉइंट। जीरो से अधिक यानी कि ऐड करके जो आपको 53 लास्ट पॉइंट जो हुआ था लास्ट पॉइंट में से धीरे धीरे हम घटाते जाएंगे। मान लीजिए लास्ट पॉइंट जो आपको 53 ऐड करके आया था, क्या आया था ऐड करके 53 आया था, वो जो पॉइंट हो जाएगा जीरो से अधिक यानी कि टोटल जीरो से लेकर लास्ट तक कितना नंबर प्राप्त हुआ, जीरो से अधिक या उसके बराबर जो मान प्राप्त हुआ वो क्या हो जाएगा 53 स्टूडेंट को प्राप्त हुआ था। कितने को प्राप्त हुआ था 53 को। और 10 से अधिक या उसके बराबर यानी कि यहाँ जो पॉइंट आया था आपको 10 से 20 यानी कि 10 से 20 के बाद यदि जितना भी स्टूडेंट बचा हुआ तो उसमें से यदि 5 स्टूडेंट को यदि हम माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ स्टूडेंट को क्या प्राप्त हुआ है 10 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त हुआ है। सेम उसी तरीका से 20 से अधिक या उसके बराबर अंक जो प्राप्त होगा 48 में से यदि हम 3 स्टूडेंट को घटा देते हैं जो पॉइंट इधर आपको दिया हुआ था, ये आपको जो बारंबारता में जो दिया होता 5 3 4 ऐसे करके जो दिया होता है, सेम उसी तरीका से हम क्या करेंगे माइनस करते हुए जाएंगे सबको। तो ये जो आपको माइनस करते हुए जाएंगे लेकिन नीचे से माइनस करना है, जो आपको ऐड करके 53 आया था उसको माइनस करके यदि हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको अधिक प्रकार का बारंबारता। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको अधिक प्रकार का बारंबारता, समझ रहे। लास्ट में पॉइंट आ जाएगा 90 से अधिक या उसके बराबर जो स्टूडेंट था कितना था, मात्र 8 स्टूडेंट रहता था जो आपको 90 से अधिक अंक प्राप्त किया था। इसी प्रकार से आप संचयी बारंबारता से आपको अधिक प्रकार के बारंबारता, इसमें आप देखिए आपको वर्ग अंतराल 0, 10, 20 और 90 संगत वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है यानी कि निम्न सीमा के बाद से यदि आप काम कीजिएगा, निम्न सीमा से यदि आप लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको क्या अधिक प्रकार के बारंबारता। यदि ऊपरी सीमा से लीजिएगा अपर लिमिट से तो वो आ जाएगा आपको कम प्रकार के बारंबारता। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ना अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता और निम्न प्रकार की संचयी बारंबारता समझ गए होंगे, समझ रहे बात को, ये अधिक और कम प्रकार की संचयी बारंबारता था। चलते हैं हम इसका इंपॉर्टेंस जो फार्मूला था उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए माध्यक निकालने का जो फार्मूला था वो होता है आपको माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ बटे एफ मल्टीप्लाई आपको एच से करना है। किससे करना है, मल्टीप्लाई आपको एच से करना है। तो यहाँ एल हम बताए थे, एल क्या होता है यहाँ आपको लिख देते हैं, यानी कि एल जो होता है आपका माध्यक वर्ग होता है। यहाँ एल को लिखे तो एल क्या हो जाता है माध्यक वर्ग, ये हो जाता है आपको माध्यक वर्ग हो जाता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की क्या होती है निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये हो जाता है आपको एल। और एन वटा टू यानी कि जो आपको दिया हुआ है वो टोटल योग का आधा कर दीजिएगा यानी कि जो आपको योग आता है, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रक्षेपणों के संख्या, क्या लिखिएगा प्रक्षेपणों की संख्या का डिवाइड कर दिए तो आधा लिख सकते हैं। प्रक्षेपणों की संख्या का क्या कर देंगे आधा आ जाएगा यानी कि एन बटे टू का मान आ जाएगा, यानी कि उसको क्या करके योग करके जो आपको प्रक्षेपण दिया हुआ है टोटल ये आ जाएगा। एफ जो होता है, एफ क्या होता है, ये जो आपको माध्यक वर्ग की बारंबारता आता है माध्यक वर्ग जो आपको निकला है उसका बारंबारता आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा आप माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की ये क्या आ जाएगा बारंबारता आ जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ। सी एफ क्या होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, यहाँ के लिखना है आपको माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ठीक पहले वर्ग क्या निकलेगा संचयी बारंबारता ये आपको निकल के आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आप एल और उसके बाद आपको एच, एच तो आप जानते हैं जो दोनों का डिफरेंस होता है यानी कि एच जो है माध्यक का ये आप कह सकते हैं जो माध्यक वर्ग की माप कर सकते हैं या इसको डिफरेंस कर सकते हैं माध्यक वर्ग की माप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक सूत्र आपको आ जाता है ये पॉइंट याद रखना है, माध्य जो है ना आपको तीनों का रिलेशन कैसे होता है, माध्य माध्यक और बहुलक से संबंधित जो सूत्र एक इम्पोर्टेंस है जो आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा भी जाता है और अब की बार भी पूछेगा। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, क्या होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो बहुलक बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या निकल के आ जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आ जाएगा आपको। इतना पॉइंट आपको थ्योरी के रूप में याद रखना है। यहाँ तक हम थ्योरी डिस्कशन किए थे, अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम पर। 2 प्रॉब्लम भी इसमें है इसीलिए आप लोग जुड़े रहे इस चैनल के साथ। और इसको हम बहुलक निकालने, माध्य माध्यक बहुलक तीनों है इसमें, तो माध्यक निकालने के लिए भी सीखते हैं। माध्य और बहुलक तो आप सीखे हुए हैं और माध्यक पर भी आज इसमें चर्चा करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। मान लीजिए किसी मोहल्ला में 68 जो उपभोक्ता है जो आपको बिजली की मासिक खपत का जो क्या कर रहा है
आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना आपको करना है। क्या करना है? इसकी तुलना, इनकी तुलना भी करना है आपको, किस प्रकार से ये खपत कर रही है। मान लीजिए आपको ये मासिक खपत हो रही है, यानी कि 65 से लेकर 85 यूनिट जो है बिजली खपत हो रही है। 4 उपभोक्ता ऐसा है जो इतना यूनिट खपत कर रहा है, 5 उपभोक्ता ऐसा है जो आपको 85 से लेकर 105 तक जो है खपत कर रहा है। उसी तरीका से आपको 13 उपभोक्ता ऐसा है जो 105 यूनिट से लेकर 125 यूनिट तक खपत कर रहा है। इसी तरीका से ये टोटल आपको जो आंकड़ा दिया हुआ, जो कितना जो है उपभोक्ता कितना यूनिट जो है खर्च कर रही है, ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसके माध्यमिक बहुलक पर। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसका जो है ना आपको आंकड़ा बना लेते हैं, क्या क्या जरूरत है आपको। ये आपको 65 से 85, 85 से 100, ये तो आपको आंकड़ा दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये बारंबार था जो यूनिट आप उपभोक्ताओं की संख्या था, जितना यूनिट आपको खर्च कर रहे हैं, यानी कि 65 से 85 यूनिट 4 उपभोक्ता खपत कर रहे हैं, जो जस्ट आप क्वेश्चन में भी पढ़े थे। सेम उसी तरह आप इसमें संचयी बारंबारता निकाल दें। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको हम बताए थे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं। नेक्स्ट जो लिखते हैं तो ये आपको 5+4 करके लिखते हैं, समझ रहे बात को। तो इसी 9 आ गया, तो इसी को 9+13 इसको हम लिख देते हैं बराबर करके। फिर उसी तरह 22+ ये जो आपको 20 है उसको ऐड करके लिखते हैं। सेम उसी तरीका से ये जो आपको 42 आया है प्लस ये 14 इसको करके लिखते हैं। ये जो आप ऐड करके लिखने, ये क्या है आपको, ये आ गया कम प्रकार का बहुलक, समझ रहे बात को, याद रखिएगा। वैसे संचयी बारंबारता सिर्फ इसको आप याद रखने का, आप सब दिन जो आप बनाइएगा जो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, वो कम प्रकार का अधिक प्रकार का जो आप जो है ना इसके नेक्स्ट चैप्टर में 14.4 जो पढ़िएगा उसमें त्वरण निकालने में काम आता है, इसीलिए उसको आपको को डिफाइन किया गया है। यहाँ देखिए इसमें आप सेम इसी तरीका से संचयी बारंबारता निकालिए, जैसे 8 है तो टोटल ऐड करके 56 आया है, तो 56 प्लस इसमें 8 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 64। सेम उसी तरह का 64+4 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 68। ये जो योग करके आया यही एन हो जाता है, ये मान आपको क्या आ जाता है, एन निकल जाता है, यही बराबर एन का मान हो गया। तो ये जो ऐड आकर के निकल गया एन हो गया। अब देखिए संचयी बारंबारता में सबसे अधिक कौन है, यानी कि एन बटा 2 को यदि आप निकालिएगा, तो एन बटा 2 को निकालिएगा तो कितना मान आएगा, एन बटा 2 का मान आ जाएगा आपको 3 और 34। 34 से ज़्यादा देखिए इसमें कौन है, 34 से ज़्यादा आपको क्या निकल गया 42, यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 145। वही देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक सौ माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 125 से 145, समझ रहे बात को। तो इसी आंकड़ा से आपको निकालना है एल सी एफ एफ ये एच एल सब टोटल यहाँ से निकाल लीजिएगा, और माध्यक वर्ग का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्यक निकालने का टोटल मान उसमें पुट कीजिए, माध्यक निकल जाएगा, समझ रहे बात को। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें माध्यक का बोलोगे, तीनों पूछा गया था, पहले हम इसका माध्य भी निकालते हैं। ये आपको एक्स आई निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको माध्य निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे। वही आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। टोटल इसी तरीके से हम एक्स आई निकाल लिए, और एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपको 300। सेम उसी तरह 95 × 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 475, और 115 × 13 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1495। टोटल ये एफ आई एक्स आई को ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 9320। क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 9320 और ये आ जाएगा आपको 68। तो माध्य जो हम यहाँ निकालेंगे तो पहले एल भी आपको इसका निम्न सीमा क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग, आपको क्या निकल के आ जाएगा 125 से 145, क्योंकि आपको बहुलक भी निकालना है। टोटल परिक्षेपणों की संख्या आपको 68 है। ये सी एफ आ जाएगा आपको ठीक पहले, यानी कि इससे पहले जो सी एफ जो आपको निकला है ये आपको निकल के आ जाएगा। ये आपको क्या निकलेगा, सी एफ निकलेगा, ये आपको जो है एफ निकल जाएगा, और ये आ जाएगा आपको एल, ये लोअर लिमिट एल, यानी कि इसी से आपको फाइंड आउट कर लेना है टोटल क्या क्या है। एच बराबर आपको 20 आ जाएगा। तो सेम उसी तरह पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि आपको यहाँ देख रहे हैं माध्य निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान कितना आया, यहाँ देखिए आपको 9320 आया था। 9320 बटे क्या करेंगे 68, ये जो आपको एफ आई का योग आया है इससे आपको माध्य निकल गया। क्या निकल गया आपको, माध्य निकल। इसके बाद बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए जो आपको आंकड़ा से निकलेगा ये आपको बताए थे अभी, बहुलक वर्ग में क्या हो जाता है 125 से 145, ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। और यही बहुलक वर्ग क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सेम ही आता है। ये आ जाएगा आपको 125 से 145, ये आ जाएगा एल का मान 25, एफ 1 20 और एफ 2 जो एफ 0 13 और एफ 2 14 और एच का मान 20। टोटल मान आपको आंकड़ा से निकाल लीजिए जैसे बहुलक निकालने वक्त निकालते थे, तो ये आ जाएगा आपको टोटल मान यहाँ से फाइंड आउट हो गया। और यहाँ आपको बहुलक का फॉर्मूला जो होता है एल प्लस एफ 1 माइनस एफ 0 अब डिवाइड बाई 2f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाई एच से कर देना था। ये एल का मान है 125 और ये एफ वन का मान 20, एफ जीरो का मान 13 और 2f1 2×20 - f0 आ जाएगा 13, एफ 2 14। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 से, एच का मान क्या आ जाएगा 20। इसको हमें टोटल जो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 + 13 बटे
7/13 मल्टीप्लाई करना है आपको 20 से, इसको हल कीजिएगा तो इसका आपको क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा 125, इसको हल कीजिएगा तो 10 पॉइंट आ जाएगा आपको 77, इन दोनों को ऐड कीजिएगा 135.77, ये आपको निकल के आ गया बहुलक। इसी तरीके से हम चलते हैं इसका माध्यक निकालते हैं। माध्यक यदि आप निकालिएगा तो माध्यक में भी आपको वही सेम फार्मूला यूज करना है, सेम यानी कि माध्यक का जो फार्मूला दिया हुआ वो, और ये उसी डाटा से हम टोटल निकालें, यानी कि माध्यक वर्ग आपको निकल जाएगा 125 से 145, और एन का मान आपको 68 निकाले थे इसलिए एन बटे 2 का मान 34 आ जाएगा। और सी एफ जस्ट माध्यक वर्ग का जो है ना आपको संचयी बारंबारता जो निकाला गया था, संचयी बारंबारता से जस्ट ऊपर वाला जो माध्यक वर्ग का बारंबार संचयी बारंबारता वही क्या हो जाता है, सी एफ हो जाता है, एल का मान आ जाएगा 125 और एच बराबर 20 और एफ का मान भी 20 आ जाएगा, क्योंकि अंतराल भी आपको जो है क्या है डिफरेंस भी आपको 20 दिया हो और एच का मान आपको एफ का मान यहाँ से आपको 20 आया था। इस आंकड़ा से यदि आप निकालिएगा तो यहाँ देखिए आपको ये जो मान आया था यही आपको एफ हो जाएगा, तो इसका हम यूज करेंगे जो माध्यक निकालने में। इसमें माध्यक यदि आप निकालिएगा तो माध्यक हो जाएगा आपको टोटल मान आपको यहाँ पे मिल गया, और इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे एल का मान पुट करेंगे 125 और एफ एन वाटे 2 आपको कितना निकल गया 34, माइनस 22 करेंगे और 20, इसको टोटल हर्ज कीजिए तो ये 20 और ये 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आके कट जाएगा, तो 125 प्लस 12 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 137 ये आपको निकल गया माध्यक। इसी तरीके से माध्य माध्यक और बहुलक एक क्वेश्चन से हम निकालें, सेम चलते हैं आप लोग समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग को माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालना था। दो नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ आंकड़ा जो है ना माध्यक आपको दे दिया, ऑलरेडी पहले से माध्यक दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, जो भी बंटन आपको ये सारणी दिख रहा है इसका जो माध्यक ऑलरेडी आपको 28.5 दे दिया है, आपको निकालना है x प्लस वाई का मान, क्या निकालना है x प्लस वाई का मान फाइंड आउट करना है। इसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चन आपको यानी कि बारंबारता यानी कि इनका योग भी दे दिया, योग यानी कि आपको एन का मान दे दिया, यानी कि एन बराबर आपको कितना दे दिया, ये आपको एन का मान जो योग जो होता है वो आपको दे दिया है 60 होता है, क्या होता है टोटल का योग क्या हो जाता है, यही कहलाता है तो योग, यानी कि आपको योग करके ये मान दे दिया। हम टोटल को योग करके एक समीकरण बना लेंगे, क्योंकि आपको एक्स और वाई का मान दोनों ही मालूम है, तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे टोटल का योग करके हम बना लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे इसका संचयी बारंबारता बना लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। वर्ग अंतराल जो आपको दिया हुआ था ये हो जाएगा 0 से 10 वर्ग अंतराल, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये आपको वर्ग अंतराल आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको एफ और एक्स, और ये आ जाएगा आपको 20 और यहाँ आ जाएगा आपको 15 और ये आ जाएगा आपको वाई का मान और ये आ जाएगा आपको 5। इससे आप निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता, यदि हम निकालेंगे तो ये 5 से 5 हो जाएगा इधर, और ये आ जाएगा आपको 5 प्लस एक्स, ये आ जाएगा आपको संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आपको निकालने के लिए हम बता चुके हैं, क्योंकि जो भी आपको ये दिया हुआ है उसे क्या करते हैं हम उसको जो है ना सीधा लिख कर उसको ऐड करते जाते हैं, यानी कि एक्स प्लस 5 फिर जो है ये ऐड कीजिएगा, यानी कि 20 प्लस यहाँ देखिए 20 प्लस 5 प्लस एक्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 25, यानी कि आपको ऐड करते जाना, ये जो पॉइंट आए इसमें फिर 15 ऐड करेंगे, फिर ये जो पॉइंट आए उसमें वाई ऐड करेंगे, तो ऐड करते करते ये आपको संचयी बारंबारता निकल गया, ये टोटल क्या निकल गया संचयी बारंबारता निकल गया। तो अब इसमें आपको एक गिवन में जो दिया हुआ था योग, इसका योग जो आपको दिया हुआ है 60, तो हम क्या करेंगे माध्यक भी दिया हुआ है आपको 28.5 और इन टोटल का योग आपको कितना दिया था 60, तो इससे हम एक समीकरण निकाल लेंगे, यानी कि 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इन टोटल का योग बराबर कितना दिया हुआ था 60, तो इन दोनों से हम निकालेंगे क्या समीकरण निकल जाएगा एक x प्लस y बराबर 15, इनको हल कीजिएगा यानी कि इसको 20 और 5 और 15 और 5 इन तीनों को ऐड करके चारों को और x प्लस वाई बराबर इधर कीजिएगा तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 60 में से घटाएगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा, तो ये आपको x प्लस वाई बराबर समीकरण एक निकल गया, यानी कि आपको मान एक समीकरण फाइंड आउट हो गया क्या x प्लस वाई बराबर 15। तो अब इसका यूज करेंगे हम x y का मान निकालने में, पहले जो दिए गए बंटन से क्या क्या निकलता है वो देखते हैं। n का मान आपको 60 दिया होता है, n बटा 2 निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको h का मान 20, n बटा 2 का मान 30 और x जो डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस आप देख लीजिए क्या है, डिफरेंस देखिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये डिफरेंस जो होता है वही क्या कहलाता है आपको h कहलाता है, यानी कि वर्ग की वो माप हो गया, ये आपको दिया हुआ था ये एच का मान हो जाएगा। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, जो टोटल आप बड़ा दिख रहा होगा वही माध्यक वर्ग होगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा क्या, यदि हम देखेंगे यहाँ पे माध्यक वर्ग, यदि आपको माध्यक वर्ग 20 से 30, यदि आपको यहाँ माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30 होगा, ये आपको माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30, और इसमें लोअर लिमिट जो है वो क्या हो जाएगा आपको एच एल हो जाएगा और सी एफ हो जाएगा आपको उससे संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के जो है ठीक ऊपर वाले वर्ग की
बारंबारता से जो संचयी बारंबारता निकाले थे वो आपको क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा। सी एफ संचयी बारंबारता हो गया, ये एफ का मान आपको उसका जो है 20 आ जाएगा। एफ का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। टोटल मान आपको मालूम है और वहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप पुट कीजिए और आपको निकल जाएगा, एक समीकरण निकलेगा। उसमें से आपको एक्स वाई में मान रखना है और वो एक मान निकलेगा जो समीकरण एक में रखे हम निकाल सकते हैं। माध्यक का मान कितना दिया होता है, वो आपको 28.5 दिया होता है। माध्यक कितना दिया होता है, 28.5 दिया हुआ था। एल बराबर हो जाएगा आपको n/2 माइनस सी एफ बटे एफ मल्टीप्लाई एच, ये आपको फॉर्मूला में दिया हुआ था। ये आ जाएगा आपको 20+3 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटा, ये आ जाएगा 20। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा आपको 28.5 माइनस 20 बराबर आ जाएगा 30 या माइनस 5 माइनस एक्स बटा, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपको, इसको टोटल हल कीजिएगा तो ये घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8.5। और ये जो है आपको भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और x का मान आपको निकल के आ जाएगा 8। x का मान क्या निकल के आ गया, ये आपको निकल गया x का मान 8। ये जो आपको x का मान जो है समीकरण एक में रखिएगा तो उससे क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए x के इस मान को समीकरण एक जो हमको निकला था x प्लस वाई बराबर 15 उसमें रख दीजिए। तो इसमें x का मान यदि आप 8 रखिएगा तो y का मान क्या निकल के आ जाएगा, 7। अतः x बराबर 8 और y बराबर 7, यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 2 डिस्कशन किए गए, नेक्स्ट पार्ट में हम 2 से जो बचा हुआ क्वेश्चन, 3 से लेकर जो बचा हुआ क्वेश्चन उस पर हम डिस्कशन करेंगे पार्ट सेकेंड। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, एक्सरसाइज आपको तो ये चल रहा था 14.3 चल रहा है, इसका पार्ट सेकेंड हम लेके आएंगे। इसी चैनल पर बहुत जल्द जुड़े रहे, इस चैनल के साथ हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो भी चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।